हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो आज के इस टॉपिक में हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है, इज 6 mm अबव HP एंड 8 mm फ्रंट ऑफ VP। तो ये जो हमारा पॉइंट ए है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही वो कोई हमारा पॉइंट है, वो ये HP है, हमारी VP पॉइंट है, ठीक है। तो अबव HP कितनी है, 6 mm है, और फ्रंट ऑफ VP है 8 mm, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है, अबव HP होता है या और फ्रंट ऑफ VP होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लाई करता है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है, पॉइंट बी इज ऑल्सो 36 mm अबव HP एंड 8 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला वो क्या कहता है, ये हमारी VP है, ये हमारी HP है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इस बार हमारा 36 mm अबव HP है, ठीक है, अबव HP 36 mm है, ठीक है। और फ्रंट ऑफ VP कितना है, ये हमारा 8 mm है, तो 8 mm हमारा फ्रंट ऑफ VP है, और अबव HP कितना है हमारा, 36 mm है, ठीक है। तो ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्शन इज 40 mm है, ठीक है। इनके प्रोजेक्शन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो 40 mm, मान लो कि हमारा पॉइंट ए यहाँ पे है, तो इसके बीच की यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 40 mm होगी, ठीक है, पॉइंट ये पॉइंट बी से, ठीक है, पॉइंट बी से हमारी इसकी यहां से यहां तक 40 mm डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब इन दोनों के प्रोजेक्शन हमें बनाने हैं ए एंड बी के, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड हो गई, लेकिन इसके बाद जो हमारा इसका प्रोजेक्शन बनेगा उसमें हमारी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। ये कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा, मैं यहां से भी पता चल रहा है, लेकिन वो कौन सी डिस्टेंस होगी वो आपको अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं हम, ठीक है। रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारी एक्स है, ये हमारी वाई है, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वीपी हमारा ऐसे होता है, वर्टिकली होता है ऐसे, और जो हमारा HP होता है हमारा हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे, ठीक है। फिर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बनाते हैं तो जो HP पे जो ड्राइंग बनती है उसको हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं, क्योंकि हम हर एक ड्राइंग में 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। सिर्फ HP को, हमारा वर्टिकल जो प्लेन होता है VP वो रेस्ट पे होता है, ठीक है, उसको रोटेट करते हैं। तो जो हमारा VP होता है, HP होता है, वो नीचे बनता है, ये हमारी एक्सिस लाइन है, तो इस एक्सिस लाइन से हम नीचे इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये HP हमारा नीचे चला जाता है। सेम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HP हमारा नीचे बनता है और VP हमारा ऊपर बनता है रेफरेंस लाइन में, XY में। तो हमने XY लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे हमारा ये HP पॉइंट है और ये VP पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले ए पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं हम, ठीक है, ओ होगी, ठीक है। तो ओ है जो ये फर्स्ट अबव द 6 mm अबव द HP है, HP के अबव है, तो मींस ये ऊपर बनेगी 6 mm, तो हम इसको 6 mm ऊपर ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट को अपने, ठीक है, 6 mm ऊपर, यहां पे हमने इसको पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, हमें पता है हमारा कोई सा ए पॉइंट है, तो ए डैश होगा अबव द HP बनता है, तो ये फ्रंट व्यू बनता है हमारा, ठीक है। तो फ्रंट व्यू को हम किससे शो करते हैं, ए डैश से, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू दिखाता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कि वही पॉइंट ए पॉइंट जो है उसकी सेकंड कंडीशन है ए पॉइंट की ही, कि वो 6 mm अबव HP है भी, और फ्रंट ऑफ 8 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, 8 mm फ्रंट ऑफ VP है, मीन्स VP हमारा ये है, इसके फ्रंट में मतलब इसके सामने मतलब इसमें नीचे, ठीक है, तो इसके नीचे हमारा ये इतना पॉइंट हमारा नीचे ड्रॉ होगा, ठीक है, फ्रंट ऑफ VP। तो इसी इनिशियल पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे 8 mm नीचे, ठीक है, 8 mm फ्रंट है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमारी, तो 8 mm हमने नीचे से गिराया और इस पॉइंट को मार्क किया, ठीक है। इस बार जो हमारा ए पॉइंट है वो सिंपली ए से दिखाई देगा, क्योंकि फ्रंट जो टॉप व्यू होता है हमें उसमें ए डैश नहीं लगाते,
ठीक है, उसमें सिर्फ सिंपली ए से शो कर दें तो हमारा ये टॉप व्यू दिखाएगा। ठीक है, तो अब इसकी मार्किंग कर दें आप। ठीक है, तो हमने इसकी मार्किंग कर दी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 8 mm है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 6 mm है। ठीक है, जो कि हमारी कितनी थी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या थी हमारी, अबव द एचपी है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक हमारी क्या है, फ्रंट ऑफ वीपी है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऐसे शो होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था और जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी उसमें भी बताया था हमने। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट थी हमने सॉल्व किया था, अगर आपने ना देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमारी, इसमें हमारा एक पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट बी भी हमारा सेम पोजीशन पे है, 36 mm अबव एचपी होगा, मींस जो एचपी वाली लाइन है ये इस बार अबव एचपी 36 mm ऊपर जाएगा, और फ्रंट ऑफ वीपी कितना हमारा 8 mm हमारा फ्रंट ऑफ वीपी आएगा। ठीक है, नीचे बनेगा जो वो 8 mm है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन देयर देयर प्रोजेक्शन, मतलब जहां पे इसकी प्रोजेक्शन बन रही है इन दोनों के बीच में, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी इनकी प्रोजेक्शन के बीच में, इसका प्रोजेक्शन हम यहां से ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, यहां से अगर गिनेंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से, तो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये हमारी डिस्टेंस हमें गिवन है 40 mm। ठीक है, 40 mm, जो हमने यहां पे भी ऐसे दिखाया था यहां पे भी, ठीक है, 40 mm, तो यहां से लेके यहां तक 40 mm मार्क करते हैं और उसका इनिशियल पॉइंट हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो 40 mm हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, 4 cm पे इसका ये 0 पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कहता है, अब यहाँ पे हम पॉइंट बी का प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बी का प्रोजेक्शन सबसे क्या, 36 mm अबव एचपी, एचपी के ये एचपी पॉइंट है, एचपी के अबव बन रहा है 36 mm, तो ठीक है ऊपर हम ड्रॉ करते हैं इसे 36 mm, तो 36 mm हमने इसे ऊपर ड्रॉ किया, तो जो ये हमारा 36 mm अबव द एचपी है, अबव द एचपी है तो ये हमारा फ्रंट व्यू दिखा रहा है, फ्रंट व्यू दिखा रहा है तो ये हमारा किससे शो होगा, ये हमारा शो होगा ए सॉरी बी डैश से, क्योंकि पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी है तो हमारा बी डैश से शो होगा, और ये हमारा क्या दिखा रहा है, फ्रंट व्यू, ये हमारा ए पॉइंट से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ए डैश से इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा पॉइंट ए के लिए, हमारा ये बी डैश से इसलिए शो कर रहा है पॉइंट बी के लिए। ठीक है, तो इसमें सेकंड को अबव द एचपी तो 36 mm है। ठीक है, तो इसको मार्क करके हम यहाँ पे 36 mm लिख देंगे। अभी पहले हम 8 mm फ्रंट ऑफ वीपी ड्रॉ कर लेते हैं, तो 8 mm फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी हमारा ये है तो इससे फ्रंट में हमारा नीचे ड्रॉ होगा 8 mm, तो 8 mm हम इसको इसके रेफरेंस पॉइंट से हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 mm नीचे। ठीक है, तो 8 mm हम नीचे से गिराया हमने और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने मार्क किया, और ये हमारा सिंपली बी से दिखाई देगा, और बी से क्या होता है हमारा टॉप व्यू होता है हमारा। ठीक है, सिंपली बी से बी पॉइंट का। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, हमारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 30 हमारी थी 40 mm थी। ठीक है, तो 40 mm मार्क करते हैं और इस पॉइंट्स को भी हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके डायमेंशन मार्क कर दिया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी 40 mm दी हुई थी, और जो हमारा फ्रंट ऑफ वीपी था पॉइंट बी का यहां से लेके यहां तक ये 8 mm था, और अबव द एचपी जो था यहां से लेके यहां तक वो था हमारा 36 mm, तो हमने यहां पे से मार्क कर दिया सारा डायमेंशन। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है उसके बाद प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली हम उसके लिए यहां पे इसका वो ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस, हम इसको हिडन लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से बी पॉइंट को हम मिलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हमारा यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस हमारी 40 mm यहां से यहां तक। ठीक है, और जो यहां से लेके यहां तक हमारी पॉइंट है ये 6 mm की हमारी डिस्टेंस हो गई। अब हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें सारी डिस्टेंस पता चल गई, लेकिन हमें एक डिस्टेंस नहीं पता, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब पॉइंट जो हमारा प्रोजेक्शन है ए पॉइंट का फ्रंट व्यू का, क्योंकि टॉप व्यू का तो दोनों का प्रोजेक्शन सेम है, तो 40 mm हमारा निकल गया, लेकिन हमें इसके फ्रंट व्यू से जो हम फ्रंट ए का फ्रंट व्यू और बी का फ्रंट व्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम इसको ए के फ्रंट व्यू को बी के फ्रंट व्यू से मिला देंगे। ठीक है, हिडन लाइन के थ्रू हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसे, ये हमने मिला दिया। अब इसको हम निकालेंगे अपनी थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट को टच किया, इसको हमने सी नाम दे दिया। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, जो हमारा ए डैश टू सी की डिस्टेंस है वो हमारी है 40
एमएम है, ठीक है, और जो हमारी सी टू सी डैश सी टू बी डैश तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हमारी कैसे निकलेगी, वो हमारी निकलेगी यहां से लेके यहां तक किसकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो से लेके बी डैश तक 36 है, तो 36 लेकिन यहां से लेके यहां तक किसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन ये जिसके रेफरेंस के थ्रू हमने इसे ड्रॉ किया यहां से लेके यहां तक इसकी 6 mm है, तो सिंपली हम इसमें से 6 mm माइनस कर देंगे तो इसकी डिस्टेंस हमें मिल जाएगी 30 mm, ठीक है, ये हमारी mm थी, तो 30 mm हमें मिल गई। अब इसके बाद हमें ए और बी निकालना है, ए डैश और बी डैश की क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो ए डैश ए डैश सी और बी डैश मिलके हमारा क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी है, ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, लेट सपोज हमने ये हाइपोटेनियस होता है जो हमारा, मान लिया हमने ए एबीसी कोई ट्रायंगल है तो उसमें एसी जो हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, मींस हमारा ए बी प्लस ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, तो इसमें हमारा एसी क्या है, एसी हमारा है ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश हमारा एसी यहां पे, तो मैं यहां पे इसे करता हूं ए डैश बी डैश हमारा यहां पे एसी है, ठीक है, ए डैश और बी डैश का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल किसके होगा, यहां पे हमारा बेस क्या है, जो ए बी अगर हमारा बेस है तो ये हमारा बेस है हमारे ए डैश और सी हमारा है, ठीक है, और प्लस में किसके है, सी डैश प्लस बी डैश के सॉरी सी और बी डैश के स्क्वायर के, तो इसमें हम इसकी वैल्यू डालते हैं ए डैश और सी की, तो क्या होगी वो 40 एम एम है हमारी, 40 एम एम का स्क्वायर प्लस में हमारा 30 एम एम सी और बी डैश की वैल्यू 30 एम एम का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ए डैश और बी डैश हमारा निकल जाएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हमने हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया ए डैश और सिंपली बी डैश हमारा क्या हुआ इक्वल टू में अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा इसका स्क्वायर कितना आएगा, हमारा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू ये 50 आएगा, ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू थी हमारी वो 50 एम एम आई, तो यहां से लेके यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे 50 एम एम, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 पोजीशन ऑफ पॉइंट की, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके बताएं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।